हेलो आईएएस एस्पिरेंट्स, मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। एनएटीएस की क्या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन सेकंड या थर्ड ईयर में हैं, या फिर अगर आपकी ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स अभी जस्ट कम्प्लीट हुई है, देन यू मस्ट बी इन वरी कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। Before starting, I would like to tell you that my this video is based on GS purpose only. This is not for mains answer writing and interview preparation. Guys, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते क्या हैं, मतलब वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेनली आपको गाइडेंस देने का काम करते हैं। नो डाउट उनके फैकल्टीज आपको पढ़ाते भी हैं, बट जो मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो है आपको सही पाथ बताना। सही बात का मेनली ये मतलब होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके साथ ही वो आपको ये भी बताते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रिपरेशन। एक्चुअली रीडिंग नॉट नेसेसरी थिंग्स अननेसेसरली ऑक्यूपाइज योर माइंड एंड क्रिएट्स कन्फ्यूजन फॉर यू। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको टू द पॉइंट टॉपिक्स को पढ़ने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो दे टेल यू अबाउट द बुक्स कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है। नाउ आफ्टर नोइंग दीज पॉइंट्स, आप खुद से फाइंड आउट करिए कि इनमें से आप क्या क्या और कितना सही सही जानते हैं। आफ्टर दिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको इन पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बट इफ़ यू हैव आइडियाज़ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स एंड ऑल्सो अगर आप सेल्फ स्टडी विद डिसिप्लिन कर सकते हैं, देन आप अपनी प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट ओवर हियर कि आप अपनी प्रिपरेशन में यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ डेज यूट्यूब हैज़ बिकम द ओशन ऑफ नॉलेज, द ओनली थिंग इज़ डैट यू शुड नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट। सो यूट्यूब पे आपको अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। बट डू रिमेंबर, डू नॉट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली। सबसे पहले तो आप ट्राई करिएगा कि जितना हो सके रेप्यूटेटेड सोर्सेज को ही फॉलो करें, एंड फॉर लेक्चर्स ऑलवेज क्रॉस चेक द टॉपिक्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स। Also, I believe that YouTube is a boon for those aspirants जो financially weak हैं and cannot afford the lakhs of fees for the coaching institutes. So guys, in short, coaching institutes provide you a preparation track where you have to run. अगर आप ये track अपने लिए खुद prepare कर सकते हैं, which is not a very tough task, then आप definitely without coaching base exam को crack कर लेंगे. The only thing which you should have is dedication, perseverance and patience. So guys, I hope आपको ये video informative and helpful लगी होगी। Thank you.